स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं अपने विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप पुराने पेपर एसएससी या फिर किसी बैंकिंग के उठा के देखोगे तो डिविजिबिलिटी रूल से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन और हाँ, कोई भी आप क्वेश्चन करना तो बिना कैलकुलेशन के आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कैलकुलेशन मतलब आपका डिविजिबिलिटी, मतलब किस नंबर से आपको डिवाइड देना है या किस नंबर से आपका ये डिवाइड जाएगा। आइए हम इन सब चीजों को यहाँ पर सीखते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम कौन कौन से नंबर को सीखने वाले हैं जिनसे आपका डिविजिबिलिटी रूल बनेगा। सबसे पहले जैसे मान लिया मैंने 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आपका आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा आपका 7, फिर आएगा आपका 8, फिर 9, फिर आपका 10, फिर आपका 11। मतलब ये आपके रूट नंबर हैं, इनका तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आना ही चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, अब इनकी अगर मैं कोई कैटेगरी डिसाइड करूं, जैसे कैटेगरी कैसे, जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि एक एक का तो कोई यार डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, ये तो मैंने लिख दिया है, लेकिन एक का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। कैसे समझो, अगर मैं आपसे बोलूं 251, मैं अगर आप एक से डिवाइड दो, तो देखना और सुनना और बोलना दोनों नॉनसेंस ही लग रहे होंगे आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आंसर भी आपका 251 ही आने वाला है, तो इसको तो सबसे पहले आप साइड में हटाओ। लेकिन यहां से अगर मैं बात करूं 2 का, 4 का, और यहां पर बात करूं मैं 8 का, मतलब सीधा सीधा मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पर 2 के मल्टीपल फॉर्म, तो यहां पर कौन कौन सा मिलेगा आपको, 2, ठीक है, आपका 4 और फिर आपका 8। अगर आप 2 को देखोगे तो 2 की पावर 1 होनी चाहिए, यही तो आपका 2 होगा। अगर मैं यहां से 4 की बात करूं तो 2 की पावर आपका 2 आना चाहिए, ठीक। 8 की बात करूं तो यहां पर 2 की पावर आपका 3 होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही? 2 को आप कैसे लिखोगे 2 की पावर 1, 4 को कैसे लिखोगे 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3। अब समझना आप लोग, जैसे यहां पर मैंने कोई नंबर लिख दिया ये वाला, ठीक है, ये कोई मैंने यहां पर नंबर लिख दिया, चलो मान के चलो नंबर ही लिख देता हूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 2, ठीक है, और यहां पर ले लो आप 4, ये कोई मैंने नंबर लिख दिया। अब आपको सबसे पहले चेक करना है क्या ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा, तो तुरंत देखो आप 2 की पावर यहां पर कितनी आपकी, 1। अगर 2 की पावर 1 था तो लास्ट में आपको केवल एक नंबर देखना है, बात समझने की कोशिश करना। अगर 2 की पावर 1 था तो पावर 1 मतलब लास्ट का केवल आपको एक डिजिट चेक करना है। अगर ये एक डिजिट आपका 2 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर आपका 2 से जाएगा। ये चीज समझ में आ रही? अब आना, अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड हो गया, तो आप 4 मतलब 2 की पावर चेक करना, 2 की पावर यहां पर कितना दे रखा है आपको, 2। अब 2 दे रखा है तो लास्ट के यहां पर आप कितने डिजिट चेक करोगे, 2। अगर लास्ट के आप 2 डिजिट चेक करोगे तो आपको 24 में डिवाइड देके देखना पड़ेगा इस 4 से। अगर 24 आपका डिवाइड 4 से एग्जैक्ट होता है तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब बात करते हैं हम 8 से, क्या ये पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो आप तुरंत आ जाओ 2 की पावर पर। यहां पर 2 की पावर कितनी आपकी, 2 की पावर है 3, 2 की पावर 3 मतलब आप लास्ट से डिजिट चेक करोगे कितना, 3। अगर ये लास्ट 3 डिजिट आपके इस 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं तो ये पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होता है तो लास्ट के अगर 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड नहीं होंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये नंबर पूरा आपका 4 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर पूरा आपका 8 से भी डिवाइड होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं यही आपसे बोलूं कि 16 बताऊं, 16 के 16 का डिविजिबिलिटी रूल आप कैसे बनाओगे, तो बेटा 16 का आप कैसे बनाओगे, तो तुरंत देखो 2 की पावर, तो 2 की पावर यहां पर कितनी होगी, 4। इसी तरीके से मैं अगर बोलूं 32, तो 32 मतलब होता है आपका 2 की पावर आपका 5, ठीक है, 2 की पावर आपका 5। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं कि 64, आप बोलोगे 2 की पावर 6। मतलब आपको करना क्या था, अगर 16 से चेक करोगे तो लास्ट के आपको 4 डिजिट देखने पड़ेंगे, ठीक है, 32 से देखोगे तो लास्ट के 5 डिजिट, 64 से देखोगे तो लास्ट के आपके 6 डिजिट। ये होता है आपका 2, 4, 8, 16 और 32। मतलब और भी आगे आप मल्टीपल चेक कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो आपको समझना है वो 2 से लेकर 8 तक का समझना है। आगे के आप अगर नहीं भी समझ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेसिक जो आपकी कैलकुलेशन बनेगी वो इन नंबर से बनेगी, ठीक है। चलो, मैंने आपको यहां पर 2 का बता दिया, 4 का बता दिया और 8 का बता दिया। अब देखो, अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं 8 का, 3 और 9 का, ठीक है। यहां पर मैं अब आपको बताने वाला हूं 3 का और 9 का, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 3 और यहां पर मैं आपसे बोलूं 9, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूं क्या आपको इन दोनों की टेबल याद है, टेबल आप बताओ इनका, इनका कितना आएगा, सबसे पहले 3, 6, 9, ठीक है, 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद आएगा आपका
24, 24 के बाद आएगा 27 और 27 के बाद आएगा आपका 30। यहां पर कितना आएगा आपका 9, 18, 27, ठीक है। 27 के बाद आएगा आपका 36, 36 के बाद आएगा आपका कितना 45, 45 के बाद आएगा कितना आपका 54, 54 के बाद आएगा 63, 63 के बाद आएगा 72, फिर आएगा 81, देन आपका लास्ट 90। आप आगे भी जा सकते हो, 99, 108, ऐसे भी आगे बढ़ सकते हो। अब समझना, अब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा इनका डिजिट सम बताओ। डिजिट सम मतलब होता है संख्याओं के अंकों का जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिट सम कितना आएगा आपका 3, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर कितना आएगा 9। इन दोनों को जोड़ोगे 2 और 1 3, 5 और 1 6, 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा आपका 2 और 1 3, 4 और 2 6, 7 और 2 आपका 9, यहाँ पर कितना आएगा 3। अब आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर डिजिट सम ना रिपीट होते हैं, डिजिट सम ना रिपीट होते हैं, डिजिट सम ना आपके रिपीट होते हैं। इसका मतलब क्या था कि अब एक बात बताओ, अगर ये 3 की टेबल थी तो 3 से तो हर नंबर आपका डिवाइड होना चाहिए, वो भी एग्जैक्टली। अब समझना आप लोग, अगर 3 की टेबल 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी तो इनके डिजिट सम देखोगे 3 6 9, मतलब 3 से वही नंबर आपका एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए जिन नंबर्स का डिजिट सम आपका कौन सा होगा, या तो 3 होगा या 6 होगा या फिर आपका 9 होगा। ये चीज समझ में आ रही? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 1 3, आप बताओ क्या ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा? आप बोलोगे कि साहब इनका डिजिट सम या तो आपका 3 आएगा या तो 6 आएगा या फिर आपका 9 आएगा। चेक करोगे 3 2 और 1 3, एक सिंगल बचेगा, मतलब ये पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। मैं एक और अगर आपको एग्जांपल यहां पर दूं, अगर यहां पर एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, 81, ठीक है, 69, क्या ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए? अब आप चेक करोगे यहां पर, सबसे पहले 8 और 1 9, 9 और 6 आपका 15, 15 में 5 और 1 6, 6 और 9 आपका 15, 15 मतलब 5 और 1 6, इनका डिजिट सम कितना आएगा आपका 6। बेटा या तो 3 होगा या तो 6 होगा या फिर आपका 9, इन तीनों में से एक तो होना चाहिए, और भाई साहब इन तीनों में से एक आपको मिल गया 6, मतलब ये नंबर आपका पूरा 3 से डिवाइड होगा। यहां तक की चीजें समझ में आई? अब आ जाओ आप नोट पे। जैसे मैंने यहां पर आपको डिजिट सम निकालना बताया, ऐसे आप यहां पर भी डिजिट सम निकालो। यहां पर डिजिट सम कितना आएगा आपका 9, यहां पर कितना आएगा 9, 7 और 2 9, 6 और 3 आपका 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 6 और 3 आपका 9, 7 और 2 आपका 9, और यहां पर भी 9 और यहां पर भी आपका 9। अब यहां तो आपकी चीजें, यहां पर तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई। क्या? कि 9 से वही नंबर आपका डिवाइड होगा जिसका डिजिट सम आपका 9 आएगा। यहां पर आपको 3 नंबर याद रखने थे, 3 नंबर कौन कौन से आपके, 3 6 9, लेकिन भाई साहब यहां पर ऐसा कोई भी आपका केस नहीं बनेगा, यहां पर केवल और केवल डिजिट सम आपका 9 आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर कोई नंबर लू 8163, ठीक है, आपको चेक करना है क्या ये नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा। बेटा 9 से वही नंबर डिवाइड होता है जिनका डिजिट सम आपका 9 होगा। 8 और 1 9 बिल्कुल डिवाइड होगा, 6 और 3 9, भाई साहब ये पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही? जैसे एक और एग्जांपल लू 72 1 6, क्या ये नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा? डिजिट सम चेक करोगे 7 और 2 9, 6 और 1 7, भाई साहब ये इनका डिजिट सम आपका 9 नहीं आएगा, मतलब ये पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये नियम थे आपके 3 के और ये नियम थे आपके किन के, 9 के, ठीक है। अब देखो मैंने ये वाला आपको नियम बता दिया, अब कौन सा आप नियम देखने वाले हो? मैंने आपको 2 4 8 और आपको 9 और 3 ये बता दिया। अब अगर मैं बात करूं 6 की, ठीक है यार, 6 का ना आपको ये नियम याद मत रखना। अगर आप 6 को देखोगे तो 6 किन दो नंबर से मिलकर बनता है आपका? एक तो 2 से मिलकर बनेगा और दूसरा आपका 3 से मिलकर बनेगा, मतलब 6 से वही नंबर आपका डिवाइड होगा जो 2 के साथ साथ 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे। 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 2 के साथ या 3 के साथ 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल 42, क्या ये नंबर आपका 6 से डिवाइड होगा? बेटा 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है क्या? 2 मतलब लास्ट का डिजिट 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? डिजिट सम 3 6 9 होना चाहिए, मतलब यहां पर देखोगे 4 और 2 6, बिल्कुल है, ये नंबर आपका 6 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। दोनों डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने यहां पर मेरे साथ 6 का भी देख लिया, अब कौन कौन से बचेंगे आपके पास? एक काम करते हैं, यहां पर मैं 5 का और 10 का भी बता देता हूं। 5 का अगर आप डिविजिबिलिटी रूल देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 5 और 10 का आपको पहाड़ा आता है क्या, या 5 और 10 की आपको टेबल आती है क्या? तो यहां पर आप बोलोगे 5 का क्या होगा आपका 5, यहां पर आएगा 10, यहां पर आएगा 15, 25, ठीक है,
यहां पर आएगा कितना आपका 20, फिर आएगा 25, फिर आएगा 30, फिर 35, 40, 45 और आपका 50। ठीक है, यहां पर देखोगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहां पर 80, यहां पर फिर 90, देन आपका मिलेगा 100। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है कि लास्ट का डिजिट हमेशा आपका जीरो होगा, वही नंबर कहीं ना कहीं आपका 10 से डिवाइड होगा। 10 से वही नंबर आपका डिवाइड होता है जिसका लास्ट यूनिट नंबर आपका जीरो होगा। चलो खत्म, इससे आगे आपको नहीं देखना है। 5 का अगर देखोगे, 5 से वही नंबर आपका डिवाइड होता है जिसका यूनिट प्लेस या तो जीरो होगा या फिर आपका 5 होगा। 5 से वही नंबर आपका डिवाइड होता है जिसका यूनिट नंबर या तो आपका जीरो होगा या फिर आपका 5 होगा। ठीक है, 5 और 10 के सिंपल है। ठीक है, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आता भी होगा 5 और 10 का, लेकिन यहां पर जो चीजें आपको सीखने की है, ठीक है, यहां पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है चीजें, वो है आपका 11 का और फिर आपका 7 का। ये चीज समझ में आ रही, जो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। अब समझना 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, पहले मैं आपको 11 का बताता हूं। बेटा एक काम करो, यहां पर इनको जैसे कोई नंबर देके रखा है, ठीक है, ये कोई नंबर देके रखा है, आप क्या करो इन सबको जोड़ो। मतलब आपको करना क्या, पहला नंबर उठाना है और एक प्लेस छोड़कर एक प्लेस को आपको जोड़ना है। तो इनका सपोज मान के चलो ए आया सब, ठीक है, अब क्या करोगे आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को मान के चलो बी आया और इन दोनों का डिफरेंस निकालो। अब डिफरेंस या तो आपका जीरो आएगा या फिर आपका 11 आएगा, डिफरेंस या तो आपका जीरो आएगा या फिर आपका 11 आएगा। अगर इन दोनों के अलावा और कोई भी नंबर आता है तो वो नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप फिर से देखो, 11 से 11 से वही नंबर आपका एग्जैक्ट डिवाइड होता है जिसके अल्टरनेट डिजिट का सम या तो जीरो आएगा या फिर आपका बेटा 11 आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल से समझो, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल था यहां पर आपका 1331। आप भाई साहब करोगे क्या, इन दोनों को जोड़ोगे 4 मिलेगा, ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 मिलेगा, इन दोनों का डिजिट सम डिफरेंस निकालोगे 0 मिलेगा। मैंने क्या बोला, या तो 0 मिलेगा या फिर आपका 11 मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है। अगर मिल रहा है तो यहां पर आपका दो वो नंबर किससे, 11 से डिवाइड होगा। ये चीज समझ में आ रही। अब एक काम करते हैं, यहां पर 62062, ठीक है, ये नंबर आप लोगों को चेक करना है क्या ये नंबर आपका 11 से या 11 से डिवाइड होगा, ठीक है, या फिर 35354, ठीक है, ये दो नंबर आपको और चेक करने, क्या ये नंबर 11 से आपका डिवाइड होगा। सबसे पहले आप करोगे क्या, इनको जोड़ोगे क्या मिलेगा, 0, 6 और 0, 6 मिलेगा और 6 और 2 मिलेगा कितना आपको 8, ठीक है, बेटा इन दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा कितना 8। अब इनका डिजिट सम डिफरेंस कितना आएगा, 0, अगर 0 आया है तो ये पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड होना चाहिए था, 0 या फिर 11। इनको चेक करोगे, 3 और 3 6, 6 और 4 आपका 10, 5 और 5 आपका 10, डिफरेंस या तो 0 आएगा या फिर आपका 11 आएगा, 0 आ गया, यह भी पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब 11 के नंबर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अब आपने 11 का भी सीख लिया, अब आपने 11 का भी मेरे साथ देख लिया, अब आपके पास केवल और केवल एक नंबर बचता है 7। 7 का लास्ट में मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा और एग्जाम में भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब समझना कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर आपका 7 से डिवाइड हो सकता है, तो यहां पर एक नंबर ले लो आप 39879, ठीक है, 39879, ठीक है, अब आपको चेक करना है क्या ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। तो बेटा याद रखना, यहां पर सबसे पहले आप इस नंबर को उठाओ, कौन सा नंबर है आपका 9, मतलब सबसे पहले आपको लास्ट वाला नंबर पकड़ना है और इसको तुरंत कर दो डबल, इसको तुरंत कर दो आप डबल, क्या मिलेगा आपको 18। बेटा इसको हटा ही दिया आपने, समाज से बिल्कुल बाहर कर दिया, जितना भी नंबर आपके पास बचा है इसमें से आप 18 को घटा दो, 18 को आप क्या करोगे घटा दोगे, मतलब जितना भी नंबर डबल आएगा उसमें से आपको उसे घटाना है। तो 7 और 2 मिलेगा आपको 9, ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा 7 में से जाएगा 6 और यहां पर मिलेगा कितना आपको 9 और यहां पर मिलेगा 3। ये आपको तब तक प्रोसेस करनी जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो आपका 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसको आपको देखना है क्या ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा, फिर वही प्रोसेस, आप इस नंबर को उठाओ लास्ट वाले, इसको डबल करो, ठीक है, क्या मिलेगा आपको 18
और रेस्ट ऑफ द पार्ट से आप घटा दो, छह और दो आठ, आठ में से एक जाएगा तो सात, और ये तीन। क्या ये नंबर आपका सात से जाएगा? अभी भी नहीं आपको पता चल रहा है। एक काम करो आप, फिर लास्ट वाले नंबर को उठाओ, क्या मिलेगा आपको? आठ मल्टीप्लाइड बाई टू, ठीक है, कितना आएगा? सोलह। घटा दो इसमें से, क्या आएगा? छह। क्या आएगा? क्या आएगा? वन। और क्या आएगा? टू, मतलब 21 मिलेगा। 21 अगर मिला है, अब आपको पता है 21 आपका सात से डिवाइड होता है, पता होगा सबको। तो 21 सात से डिवाइड होगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका सेवन से डिवाइड होना चाहिए। अगर आपको यहां भी नहीं लग रहा, तो ये प्रोसेस आपको एक बार फिर से फॉलो करनी थी। ये चीज समझ में आ रही? तब तक देखना जब तक ये डिफरेंस आपका सात से डिवाइड नहीं होता है। एक काम करते, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि सात का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है आपको? 5 4 7 9 8, ठीक है, या फिर 9 7 8 कर लो, 9 7 8, ठीक है, 9 7 आपका 8। आपको करना क्या है भाई साहब? सबसे लास्ट वाला नंबर उठाओ, ठीक है, डबल करो, क्या मिलेगा आपको? 16, ठीक है। तो यहां पर 16 को घटा दो, मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी आपके नंबर का होगा आपको उसमें से घटाना है। सात में से छह जाएगा एक, नौ में से एक जाएगा आठ, ठीक है, यहां पर चार, और यहां पर आपका पांच। लास्ट वाला नंबर उठाओ, एक, डबल करो, क्या मिलेगा? दो। घटा दो यहां पर, छह चार पांच। लास्ट वाला नंबर उठाओ, छह, डबल करो, क्या आएगा? बारह। घटा दो यहां पर बारह, क्या आएगा आपका? दो। क्या आएगा यहां पर आपका? चार। बेटा क्या ये आपका सात से डिवाइड होगा? बयालीस बिल्कुल जाएगा भाई, छह बार जाएगा, छह सत्ते आपका बयालीस। तो ये होता है आपका सेवन का डिविजिबिलिटी रूल। आपको करना क्या, एक बार फिर से मैं रिवीजन कराता हूं, आपका लास्ट वाला नंबर उठाना है, डबल करना है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट के नंबर से, रेस्ट ऑफ द पार्ट से डिफरेंस निकालना है, घटाना है। तब तक ये प्रोसेस करनी है आपको जब तक कि आप बिल्कुल संतुष्ट ना हो जाओ, बिल्कुल आप सेटिस्फाई ना हो जाओ कि ये नंबर आपका सात से जाएगा। अब ये मैंने आपको एक से लेकर इलेवन तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल बता दिए। इनके अलावा और भी अगर आप देखोगे, जैसे 12 मतलब 4 और 3 का आपका डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होना चाहिए, 14 मतलब 7 और 2 का होना चाहिए, ठीक है, बीच में कुछ कुछ मिलेंगे आपको, जैसे 13 17 19, इनका आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में जो मैंने आपको बोर्ड पर करवाए हैं, ये सबसे ज्यादा रिपीट होते, सबसे ज्यादा इनमें भी अगर आप एग्जाम का फेवरेट देखोगे तो ये दोनों मिलेंगे आपको, 8 और 9। एसएससी का अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो यहाँ से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे 8 और 9 से, फिर मिलता है आपको 11, बाकी तो इक्के दुक्के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए बना सकूं और आप तक वो चीजें पहुंच सकें।